तो गाइस यार आज की जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड वीडियो, इस वीडियो की मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास है 2000 वाला पटाखा। जी हां गाइस, ये है आज की सबसे खतरनाक चीज। ये नहीं है मुझे बताया कि आप जिसका वेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग इधर देखो, इतने सारे लोग भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं। करें फिर ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ब्रांड न्यू चमचमाता आईफोन 14 प्रो। जी हां गाइस, लॉन्च होते ही जैसे ही हमें मिला क्रैक कर लिया और आज के स्टूडियो के अंदर सबसे पहले तो हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और उसके बाद में करेंगे इसके साथ वो जो कि कोई नहीं करता, हम जला देंगे पटाखों के साथ में इस आईफोन को। फिर देखते हैं कि इस आईफोन के मतलब कि थोड़ा ज्यादा महंगा है यार, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कि मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि फिर देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर ये जो फोन है इस टेस्ट को पास कर पाता है या फिर नहीं। ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, आप है ना भले लोग, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दिवाली है तो दिवाली पे पटाखे और आईफोन को मिक्स करो, आईफोन को पटाखों के साथ फोड़ो और फिर देखो कि आईफोन इस टेस्ट को सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं। रवि स्पेशल नाइफ। अबे सब्जी थोड़ी काटनी है मुझे। ऑलराइट गाइस, तो यार एक बार देख लो, ज्यादा हम अनबॉक्सिंग करते नहीं है, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है, 1,00,000 से ऊपर का फोन है और ब्रांड न्यू है। तो गाइस यार यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हम आपके सामने ही खोल रहे हैं, ये देखो, तो ये पहले से खुला हुआ नहीं है, ये देखो, और अब पेश है आपके सामने आईफोन 14 प्रो। वाओ ब्यूटीफुल। यार एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, आज तक की जितने भी मैं फ़ोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ उसके अंदर ये हल्का हल्का सी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, क्या बताया यार, मुझे नहीं पता, जो भी है, लेकिन ये है स्पेस ब्लैक आपके सामने ही। कुछ देते ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों, कुछ तो देना चाहिए जिससे हम खोल के दिखा सके, वीडियो को लंबी कर सके। ये एक बस केबल दी है और साथ ही साथ ये कोई चीज़ है, इसके अंदर है एक स्टिकर, पहले तो दो आते थे, अभी तो इसमें भी कंजूसी, तो ये सिम इजेक्टर टूल है और साथ साथ ये केबल है। आईफोन वाले कहते हैं कि पुराने चार्जर का इस्तेमाल करो, जबकि उनको भी अच्छे से पता है कि नए फ़ोन के साथ में नए चार्जर्स लोग लेते हैं। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये वाह, तो गाइस यार ये है सभी की ख्वाहिश आईफोन 14 और मेरा ये फेवरेट कलर है तो मैंने इसे इसमें लिया है। अब देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो फ़ोन और हैं, ये है आईफोन 13 प्रो, तो देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। गौर से देखो, तीनों को मैं रख देता हूँ साथ में, अब आप बताओ कि फ़र्क क्या है। मुझे तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, कैमरे का साइज़ भी आई थिंक उतना ही, थोड़ा सा हल्का सा इसका जो कैमरे का साइज़ है ये हल्का सा मुझे बड़ा लग रहा है। फ्रंट की तरफ से अगर आप देखें तो फ्रंट की तरफ से भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो अब आपके सामने ही इसे बूट ऑन करते हैं, यहाँ पर फ़र्क है गाइस, ये देखो ये जो नॉच है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई और कैमरे का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। पहले कैमरा इसके अंदर इस साइड में है और इसके अंदर इस साइड में है, चलो ये तो फ़र्क है, इससे पता पड़ जाएगा कि हाँ ये आईफोन 14 ही है। तो ये हो गया ऑन, हेलो। तो गाइस यार ये हो गया है हमारा आईफोन 14 प्रो सेट अप, बैंग। अब होगा इसके साथ में टाइटेनियम आर्मी पे लेवल पे एक्सपेरिमेंट, तो अब खोलते हैं 2000 वाले को, तब तक लौंडो खेलो ऐश करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। अरे यार तेरे पास तो वैसे आईफोन है ओए। तो गाइस यार ये जो अपने 13 प्रो है ये भी ले जाओ, अब खोलते हैं इधर इधर, अब खोलते हैं पटाखों की लड़ी को और इसके बीच में रखते हैं आईफोन 14। ठीक है गाइस, आईफोन 14 आते ही इनकी बत्तियां गुल होगी, इनको पता ही नहीं है कि वीडियो शूट हो रही है। गाइस तो इतने सारे पटाखे हैं, 2000 वाली लड़ी है, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम फटाफट से करते हैं इस टेस्ट को शुरू। ला दिखाइयो कैमरा कैसा है। ओह यार ये तैयार है हमारी 2000 पटाखों की लड़ी, बीच के अंदर ये जो चीज थी इसे भी मैंने निकाल दी है। अबे लौंडा लेके आओ ना जल्दी, अबे आराम से आराम से। ऑलराइट गाइस, अब क्या करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं ताकि इसके अंदर का जो नजारा है वो कैसा होता है वो भी आपको पता पड़ जाए। रुको
मैं पासवर्ड लगा के मैं ही भूल गया खुल गया। ऑलराइट गाइस, तो यार ये सिंपली मैंने जो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी वाइड एंगल पे करके ऑन कर दी है। हेलो एप्पल। और अब मैंने रख दिया इसको इसके बीचों बीच में, और अब फटाफट से 3, 2 and 1 करते हैं। करे चलो 3, 2, 1 करते हैं। थ्री टू वन। जल्दी आओ, देखो अबे रिकॉर्डिंग चालू है। ओ तेरी टेम्परेचर गाइस, आप देख सकते हैं मैंने इसको टच भी नहीं किया पटाखे फटने के बाद, और इसके अंदर आ गया है टेम्परेचर एरर। जी हाँ गाइस, ये देखिए आप, इसके ऊपर मिट्टी लग चुकी। ओ माय साहब, इसकी स्क्रीन चली गई है। आप देख सकते हैं कि अब ये नहीं बच पाया है, यहाँ से इसकी जो स्क्रीन है वो चली गई है, बाकी फ़ोन अभी भी चालू है और बहुत ज़्यादा गर्म है। जी हाँ गाइस, बहुत ज़्यादा गर्म है। पीछे से देखो कुछ ऐसा हाल हो गया है फ़ोन का, और सामने से हाल हो गया है कुछ ऐसा। कैमरामैन दौड़ गया, धोते इसको जल्दी, ठंडा करते बाकी गाइस फ़ोन चालू है, ये देखो फ़ोन चालू है, टेम्परेचर एरर आ रहा है अभी तक भी। आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़। आ जाओ तो इसको धोते हैं, ठंडा करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इसका क्या हाल हुआ है, क्या ये इस टेस्ट को पास कर पाया है या फिर नहीं। लेकिन गाइस साथ ही साथ यहाँ पे स्क्रीन फूट चुकी है, तो मे भी ये वाटरप्रूफ नहीं रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो पहले पीछे से धोते हैं इसको। ओ शिट गाइस, तो अनएक्सपेक्टेडली पीछे की जो बैक है वो भी बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी है। ये तो यहाँ से फट गया है, यहाँ से फट गया है। तो गाइज वहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, इसको साफ करते हैं पहले अच्छे से। ओ भाई, इसके तो पेट में खड्डा हो गया, ये देखो यहाँ से बुरी तरीके से खड्डा हो गया। ये देखो कांच भी निकल गया, ये देखो ये रहा कांच का टुकड़ा, बाकी टच अभी काम करने लग गई है इसकी। ये देखो यहाँ से गया है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं। पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे से यहाँ से क्रैक हुआ है। ये कैमरे के कुछ भी नहीं हुआ यार, ये कमाल की बात है। मे भी इनकी प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी थी, फ्लैश लाइट तक के ऊपर भी क्रैक्स आ गए हैं ये देखो, और फ्रंट से आप देख लीजिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया है। ये देखो टच काम नहीं कर रही है इसकी अच्छे से, रुक रुक के कर रही है। ये देखो कैमरे वगैरह बिल्कुल सही सलामत काम कर रहे हैं इसके, ये देखो हाय तो गाइस यार जिसकी भी ये कमेंट थी, और आप सब लोग भी देख लो, ये होता है जब हम पटाखों के बीच में फ़ोन को रख के चलाते हैं। पता है ये टेस्ट मैंने क्यों किया, इससे जो पहले वाला आईफोन था जिसके साथ में हमने इस चीज़ को टेस्ट किया था एक बार काफ़ी टाइम पहले, उस टाइम पे आईफोन इस टेस्ट को पास कर गया था। सच में यार इस टेस्ट को पास कर गया, ये ऑसम। ये भी पास कर गया, बस इसकी स्क्रीन वगैरह सब चली गई है। बाकी एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, पहले जो लोग इसकी अनबॉक्सिंग के लिए बड़े एक्साइटेड थे, अभी इन सबके चेहरे उतरे हुए हैं ये बस फोन को देख रहे हैं कि फोन गया। लेकिन क्या करें गाइस यार, अपना तो काम ही ऐसा है, आप कुछ कहें और हम ऐसा ना करें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये था टेस्ट रिजल्ट आपके सामने, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, अभी करते हैं। और कोई आइडिया हो दिमाग में तो बताना, आपका भाई उसे भी बुरा करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चल बाबा चल, आप फोन अच्छा है वैसे।